अलमैक अज़ीज़ तालबा और तालबात कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के हवाले से आज पांचवा लेक्चर है और ये कंटिन्यूएशन है पिछले लेक्चर की जिसमें हमने प्री कंसेप्शन अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बात की ये उसी को हम मज़ीद डायमेंशन के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो आपके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं आइडियाज़ हैं अबाउट हाउ डू दे इन्फ्लुएंस यू टू हैंडल द ये बेसिकली इन ए वे मैं आपको डायग्नोसिस करने का ही समझा रहा हूँ आपको वो टर्मिनोलॉजी वो कॉन्सेप्ट्स वो आइडियाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके ज़रिए आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आना शुरू हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो फोर्सेस हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाए जब वो कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ और उसका सोर्स नज़र आएगा फिर आप कॉन्फ्लिक्ट को अपनी आँखों और अपने दिमाग से देख सकेंगे फिर उसका हल निकालना उसका कोई सलूशन निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट को इन ए वे मैं रेगुलेट और मैनेजमेंट या मैनेज करने की तरबियत देने की कोशिश कर रहा हूँ लेट मी टेल यू ये भी एक आपके अंदर शायद सेंसिटिविटी होगी कि कॉन्फ्लिक्ट आप जनरली समझेंगे इट इज़ ए काइंड ऑफ एडवोकेसी इट इज़ ए काइंड ऑफ थ्रेट टू योर वैल्यूज इट इज़ ए काइंड ऑफ थ्रैट टू योर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इट इज़ ए काइंड ऑफ थ्रैट फॉर यू टू चेंज तो ये जो चीज है ना मिसाल के तौर पे आजकल जेंडर इक्वालिटी मैन वूमेन वर्किंग टुगेदर इसके ऊपर जोर है अब बहुत सारे लोग इस इंटरवेंशन को टू ब्रिंग विमेन इनटू पब्लिक लाइफ इसको इन ए वे ये समझा जा रहा है कि इट इज ए इट इज एन एडवोकेसी फ्रॉम द वेस्ट Yes, आपको ये जो जेंडर इक्वालिटी वाली या ख़वा के को पब्लिक लाइफ में लाने वाली जो बात है ये एक तरह से आपको वेस्ट की वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक एफर्ट है जिसके ज़रिए आप इस मुल्क के अंदर डेट तब्दीली लाने की कोशिश हो रही है आप इसको उनकी एडवोकेसी समझते हुए इसको रजिस्ट करते हैं क्योंकि आपके प्रेजेंट सिस्टम में जिस तरह से काम चल रहा है ख़ुती बींग इन इंडोर्स एंड लुकिंग आफ्टर द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द फैमिली एंड मैन लुकिंग आफ्टर द ब्रेड विनिंग कंपोनेंट ऑफ फैमिली लाइफ आपने इसको इंटरनलाइज किया हुआ है उस इंटरनलाइज करने की वजह से आपको ये जो एडवोकेसी है ना मैनी टाइम्स मैनी पीपल रेजिस्ट दिस एडवोकेसी और दिस चेंज और उसकी वजह शायद वंस अगेन वही है कि आप ये महसूस करते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक चल रहा है हमारा फैमिली का सिस्टम ठीक चल रहा है हमारी वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ के मुताबिक हमारा काम चल रहा है वाई शुड वी चेंज एंड लेट वमेन गो आउट हु विल टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ फैमिली हु विल टेक केयर ऑफ होम अफेयर्स आपके जहन में ये सवाल उठते हैं गलत या सही ये एक अलग बात है लेकिन ये सिलसिला वेस्ट में भी चल रहा है वहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है कि विमेन आर वर्किंग अलॉन्ग विद मैन इन ऑफिस लेकिन इसकी क्या वजह है कि वहाँ पर वो काम कर पाती हैं और यहाँ पर हमारी खातीन को मुश्किल पेश आती हैं उसकी एक मेन वजह यह है कि जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है वैल्यूज़ का नॉम्स का बिलीफ का ट्रेडिशंस का वो उस तरह का नहीं है जैसे वेस्ट में है जैसे अमेरिका में मैंने पहले भी जिक्र किया पिछले लेक्चर में इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है इंडिविजुअल को प्रमोट किया जाता है इंडिविजल को इन ए वे ए के ज़रिए या उसको डिस्प्यूट वहाँ पे पैदा होना उसको रिजॉल्व करना वहां पे ये आम सी बात है यहां पे डिस्प्यूट पैदा करना उतना एनकरेज नहीं किया जाता जितना शायद वेस्टर्न सोसाइटीज में होता है या किया जाता है तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी है ना कॉन्फ्लिक्ट की हैंडलिंग ये इन ए वे एडवोकेसी है चेंज लाने वाले कुछ लोग होते हैं उन लोगों को हम एडवोकेट्स कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी एन जी ओज मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रही होंगी चेंज का एलिमेंट है इस हफ्ते का अगर आप न्यूज़ वीक देखें तो उसके टाइटल पेज पर तस्वीर है लेट्स ए काइंड ऑफ ए मैरिज बिटवीन टू मैन इस तरह से दोनों मेल के हाथ दिखाए हुए हैं वो तस्वीर नो वॉट इज दैट बेसिकली दैट इज एन एडवोकेट एडवोकेसी फॉर चेंज नो पीपल रेजिस्ट टू दिस चेंज बिकॉज इट डज नॉट फिट इन दैल्यूज एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट सोसाइटी वंस अगेन My point is not that what is right or what is wrong. Right and wrong are decided in a way by majority. Or the core values or the values which are generally adhered by the majority of the population in a given geographical area. So, this is the depth mejana. कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा करते हैं उसका मकसद क्या है कौन लोग हैं जो पैदा करते हैं ये बेसिकली एडवोकेट्स हैं फॉर चेंज ये एजेंट्स हैं फॉर चेंज ये एजेंट्स बाज दूसरे मुल्कों से भी आते हैं बेशक वो पाकिस्तानी हो, आइडियाज वहां से लेके आए यार आर पार्ट ऑफ दर्गेनाइजेशन विच आर बेसिकली प्रमोटिंग काइंड ऑफ चेंज जैसे मैंने जेंडर की बात की इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द चेंज की फोर्सेस चेंज लाने वाली फोर्सेस काम कर रही मैंने कुछ अब हाँ, स्क्रीन पे चीज़ें दिखाई जिसमें मैंने लिखा कि इसको कैसे पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कॉन्फ्लिक्टज मैनी टाइम्स टेकन एज एन एंजन ऑफ ग्रोथ ये जब डायलैक्टिक्स एक वर्ड है हमारी सोशियोलॉजी में कि थीसिस एंटी थीसिस आप नई से नई चीज़ ढूंढते हैं इनोवेशन करते हैं नई से नई चीज़ ढूंढते हैं उससे तरक्की होती है तो ये उसके पॉजिटिव पहलू हैं या उसकी डेप्थ है जिसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बात और कहूँ इसी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो सिर्फ इस आस्पेक्ट को समझाने के लिए चाइनीज या पाकिस्तानी या और कोई ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में समटाइम्स देर इज अ बिटवीन तो टू पार्टीज मिसाल के तौर पे एक बाप बेटे के दरमियान हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट में अगर बाप ये तसवर करे कि इफ आई विन इन दिस कॉन्फ्लिक्ट विद माय सन, मे बी हर्ट साइकोलॉजिकली विच मे बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर हिम एंड फॉर सोसाइटी इन सच ए सिचुएशन दी फादर और ए पार्टी विल विश टू लूज़ ताकि दूसरे को नुकसान ना हो ये ट्रडिशनल सोसाइटीज़ में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि जिसमें वो दूसरे को नुकसान पहुँचाने से गुरेजा होती हैं ये ट्रडिशनल कलेक्टिव सोसाइटीज़ में इस तरह की वैल्यू मौजूद है लेकिन ये इस तरह की वैल्यू वेस्टर्न सोसाइटीज़ में या अमेरिकन सोसाइटी में मौजूद नहीं है वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वहाँ यहाँ पे कलेक्टिव कल्चर है यहाँ पे फैमिली का इंस्टीट्यूशन इज़ ग्रेटली इंटैक्ट एज कम्पेयर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ़ फैमिली इन द वेस्ट हमारी सोसाइटी में अब भी कलेक्टिव इंटरेस्ट किसी हद हाँ तक प्रिवेल करता है हम कलेक्टिव इंटरेस्ट का फैमिली के इंटरेस्ट का कम्यूनिटी के इंटरेस्ट का किसी हद हाँ तक ख्याल करते हैं लेकिन अगर आप इसको वेस्टर्न कॉन्टेक्स में देखें तो ये शायद उस तरह से फिट नहीं होता वहां पे इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है वहां पे इंडिविजुअल को प्रमोट किया जाता है और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इज सुप्रीम इंटरेस्ट यहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट को अभी भी अहमियत दी जाती है इस वजह से ये यहाँ पे कई चीजें उस तरह से फिट नहीं हो सकती जिस तरह से वेस्ट में फिट हो सकती हैं क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर सपोर्टिव है ना यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल है यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर रुकावट पैदा करता है कहता है कि ये इनोवेशन ये नए आइडियाज से ब्रिंगिंग वुमेन टू पब्लिक लाइफ इट इज़ नॉट गुड सिमिलरली और कोई नई तब्दीलियाँ हैं जिनको लेट्स से वेस्ट अपनी परस्पेक्टिव में समझता है कि ये चेंज आनी चाहिए ये बेहतर है ये अल्टीमेटली विल प्रूव टू बी गुड फॉर ह्यूमन सोसाइटी मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सल वैल्यूज़ की या ह्यूमन राइट्स की बात बाज होती है सोशल मूवमेंट इन ए वे वेस्ट समझता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स या यूनिवर्सल वैल्यूज अगर पैदा कर दी जाए तो ये अक्रॉस नेशंस अक्रॉस कल्चर्स कम हो जाएगा यस दे मे बी राइट एंड टू हंड्रेड इयर्स टाइम इफ देर आर यूनिवर्सल वैल्यूज देर आर स्ट्रिकूम राइट विच आर

बड़े लेवल पे, उससे बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, अगर आप देखें कि कौन सी फोर्सेस ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं क्यों पैदा कर रही हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहाँ से ये आ रहा है इसको कैसे हैंडल करना है तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी टू एड्रेस द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट वाट लेवल यू आर एट वाट लेवल यू आर फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ये तो थी थोड़ी सी बातें जो मैं आपको लेके जाना था जाना चाहता था टू सम डेप्थ और टू सम समानेशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली मैंने आज जिस आस्पेक्ट पे प्री कंसेप्शन अबाउट कॉन्फ्लिक्ट जिस आस्पेक्ट पे बात करनी है वो मैंने बात करनी है वेस्टर्न स्टैंड पॉइंट से या अमेरिकन स्टैंड पॉइंट से जिसकी थोड़ी सी बातें मैंने कही कि अमेरिकन सिस्टम इज एन इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम इंडिविजुअलिज्म को वहाँ पे प्रमोट किया जाता है उस इंडिविजुअलिज्म के सुपर स्ट्रक्चर में उस इंडिविजुअलिज्म के ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर में या सोशल सिस्टम में लोगों का सरवाइव करना लोगों का ए को यूज करना इज एक्सेप्टेबल

प्रोग्रेस करनी है तो फिर हमें जो, जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है हमारा जो वैल्यू सिस्टम है हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी उसमें चेंज लानी पड़ेगी ताकि हम प्रोग्रेस की तरफ जा सकें टू कल्चर यू एक्वायर बिलीव्स दोज आर इधर इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिव इधर एडवर्सेरियल और अदरवाइज नो वट इज़ बेस्ट इन ए कल्चर let's say in western society adversarial approach is considered best here adversarial approach is not considered as good adversarial approach ke hai? Ke babe, i have i am an individual i have rights against a person and i should fight and there is a system like law का एक निज़ाम है जिसके पास आप अपने राइट्स को डिमांड करते हैं अगेंस्ट ए पर्सन और वहाँ पे ये रूटीन है वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल अप्रोच है एंड यू अप्रोच देम एंड गेट योर राइट्स वेयर एज इस तरह का लीगल सिस्टम इंस्टीट्यूश इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता जनरली यू गो थ्रू एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल

इन द न्यू एनवायरनमेंट। अगर आप नए एनवायरनमेंट पैदा करते हैं तो नए एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए उनको मवाक़ दें जहाँ पे वो हमारे यहाँ एक मुख्तारा माई का केस बना था अब उसको उस तरह के केसेस होते रहते हैं इस मुल्क में लेकिन एक केस को पकड़ के हमने इतना बड़ा किया और बड़ा इसलिए किया कि हम अपने सुपरस्ट्रक्चर पे हम अपने सोशल सिस्टम पे प्रेशर डाल डाल सकें टू चेंज तो ये बाजार ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आपके सुपर स्ट्रक्चर के पे आपके सोशल सिस्टम पे फोर्स डालती हैं प्रेशर डालती हैं ताकि आपका सोशल सिस्टम वो चेंज हो जाए जब सोशल सिस्टम चेंज हो जाएगा तो उस वो एक्सेप्टेंस दे देगा इंडिविजुअल्स के नए एक्ट्स को उन एक्ट्स को जिनको ट्रेडिशन पहले से एक्सेप्ट नहीं करती थी या सपोर्ट नहीं करती थी तो इसलिए सुपरस्ट्रक्चर की चेंज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँ विच इज इन अ वे फेवर्ड टू इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम या इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म में अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं इंडिविजुअल्स को और उस सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो है ना दे एनकरेज इंडिविजुअल अचीवमेंट्स और वो इंडिविजुअल को प्रमोट करते हैं और इंडिविजुअल की एफर्ट को किसी हद हाँ तक आगे बढ़ाते हैं और इससे क्या होता है कि सोसाइटी में वाइब्रेशंस आती हैं और सोसाइटी जो है ना उसके सारे लोग भागते हैं फिर उनसे काम लेने का एक ये तरीक़ेकार है लोग लोगों में अर्ज बढ़ती है टू अचीव मोर एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा था मनी ईयर्स गो कि लाहौर का कोई इंजीनियर है जिसने स्टूडेंट था यू ई टी में शायद उसने कहा जी कि मुझे साठ लाख रुपए दे दिए जाएं तो मैं एक गाड़ी बना सकता हूं जो ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पोल से चलेगी गलत या सही सोसाइटी के लिए उस नौजवान को 60 लाख रुपए देना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए उस इंडिविजुअल को अगर आप प्रमोट करके अगर वो कोई चीज़ इस तरह की बना जाता है बना लेता है तो मेरे ख़्याल में ये तो किसी इंडिविजुअल को प्रमोट करके सोसाइटी में एक खास ताकत ख़ास वाइब्रेशन पैदा की जा सकती है तो हर सोसाइटी के कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ में ये जो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने और अपॉर्चुनिटीज़ को से फ़ायदा उठाने का ये रिवाज बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटीज़ में या हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में इस तरह की सोच नहीं है क्योंकि कलेक्टिव इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इवन नाउ एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअलिस्टिक अचीवमेंट तो ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो सोशल स्ट्रक्चर है जो सोशल सिस्टम है जो सुपर स्ट्रक्चर है वो कैसे अफेक्ट करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को और यही बेसिकली चेंज और ये इस इन अप्रोच के कॉन्फ्लिक्ट होने का नतीजा है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटीज़ फिर पोर्ट्रे करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं हमारा टेलीविज़न हमारी फिल्में हमारा रेडियो हमारे अखबार ये रोज़ बेशुमार चीज़ें छापते हैं विचार इन ए वे कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस आपको हमारी सोसाइटी में बेशुमार नज़र आ रहा है वो वायलेंस किस तरीके से हमारी सोसाइटी प्रेजेंट करती है हमारा मीडिया हमारे इदारे किस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं अगर आप इस चीज़ को समझ लें इन ए वे वो जो सुपरस्ट्रक्चर जिसकी जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो सुपरस्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो सुपरस्ट्रक्चर इन ए वे लोगों के एक्शंस को लोगों की सोच को लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको ये तरबियत दे रहा है इन वे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट की हैंडलिंग है पाकिस्तान में ये एक मेरी नज़र में तरबियत गाह है फॉर एवरेज इंडिविजुअल्स तो उनकी भी तरबियत इस तरह की होती है कि अच्छा अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो मैंने क्या एक्ट करना है टी वी ड्रामे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो भी आती हैं वो वहाँ से सीखते हैं और उनमें एक इंडिविजुअल कैपेसिटी बनती है टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट इन ए पर्टिकुलर वे और अगर आप इनोवेटिव वेज इनोवेटिव तरीके इनोवेटिव मीनस नए आइडियाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हुए दिखाएंगे तो सोसाइटी वही सीखेगी ये वही लेवल्स हैं बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थे जिसका मैंने जिक्र किया ना ये बेसिकली उसी तरह की बात है कि हाउ डू यू ट्रेन योर सिटीजन्स टू हैंडल सर्टन सिचुएशंस एंड प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस अगर कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस को आप तरीके से हैंडल कर लें विच आर गुड फॉर सोसाइटी और विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट द गुड ऑफ सोसाइटी तो फिर सोसाइटी बेहतर हो जाएगी सोसाइटी पहले से अच्छी हो जाएगी तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये जो एडवर्सेरियल अप्रोच है ये एडवर्सेरियल अप्रोच अमेरिका में ज़्यादा अच्छा काम कर रही है ये अमेरिका में ज़्यादा बेहतर काम कर रही है ये वहाँ पे इसका जो तरीक़ेकार है इसके चलने का वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर कम्पैटल है सपोर्टिव है यहाँ का सपोर्टेबल पोर्टेबल या सपोर्टिव और कम्पैटल नहीं है तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने सुपरस्ट्रक्चर में भी तब्दीलियां लाएं अगर हमने लेट से प्रोग्रेस करनी है चेंज ले आनी है यहाँ पर एक थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ कि क्योंकि ये भी परसेप्शन की बात है और इसको समझ होनी चाहिए कि समटाइम्स ए चेंज इज लाइक्ड बाई ए पार्टी ए ग्रुप ए कम्यूनिटी बट द सेम चेंज इज़ नाट लाइकड बाई अनदर पार्टी बाई अनदर पर्सन बाई अनदर कम्यूनिटी तो ये फर्क भी अपनी जगह मौजूद है तो क्या आप स्टैटस को में रहना चा, रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं ये मैं यकीन से कहता हूँ कि स्टैटस को में रहने वाले डीके करते हैं मर जाते हैं लेकिन जो स्टैटस को से निकलते हैं यस वहां पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि जरूरी नहीं है यू टेक मॉडल्स गिवन बाय द टू यू जरूरी नहीं है वो जो कहें उस डायरेक्शन में जाएं पॉसिबल ये भी है कि आप अपनी चेंज को खुद डायरेक्शन दें खुद बताएं कि मैंने किस तरीके से अपने आप को चेंज करना है किस तरफ लेके जाना है जैसे अमेरिका ने अपनी तरह अपने आप को चेंज किया जापान का सोशल सिस्टम विद ऑल मॉडर्नाइजेशन विद ऑल दिनिस्टिक मींस विच आर इन ऑपरेशन इन जापानी सोसाइटी उन्होंने अपनी बहुत सारी वैल्यूज अभी तक इंटैक्ट की हुई हैं उनका सिस्टम अभी भी जैसे हमारे माशरे में ना बड़े की इज्जत करना बड़े को एक खास इज्जत वाले नाम से बुलाना रिश्ते से बुलाना नाम से नहीं बुलाना इस तरह की वैल्यूज अब भी जापान में एग्जिस्ट करती है वेर एज इन दैसटर्न कंट्रीज ऐसा नहीं है तो हम भी चेंज लेके आ सकते हैं बट चेंज इन आवर ओन वेज विद आवर ओन थिंकिंग एंड स्ट्रेटजीज जिसके जरिए वो चेंज ज्यादा एक्सेप्टेबल हो हमारे लोगों को रिजिस्ट ना करें बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे चले तो ये चेंज का चेंज लाने का तरीके कार है अगर एडवर्सरियल अप्रोच इन द यूएस इज एक्सेप्टेबल वी डोंट हैव हैव टू टू फॉलो और वी डोंट दैट एडवर्सरियल अप्रोच वी कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू आवर ओन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स देखिए हर सिचुएशन हर कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस पैदा करता है और ये जो थ्रेट है स्ट्रेस का ये जो रोल ऑफ स्ट्रेस एंड इमोशन स्क्रीन पे अगर देखें तो इन क्रिएटिंग थ्रेट फॉर ए डिस्प्यूटेंट ये मौजूद है कि भाई थ्रेट पैदा करते हैं किसी डिस्प्यूटेंट के लिए तो वो उसकी वजह से कुछ तब्दीलियां आती हैं कुछ चेंज आती है फियर एंगर डिप्रेशन एंड अर्ज फॉर हैप्पीनेस लीड टू नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग ऑफ अदर डिस्प्यूटेंट्स एंड द बिलीव दैट देयर विद ओन ऑब्जेक्टिव्स ये जीरो सम सिचुएशन वाली गेम है कि आपकी हैप्पीनेस मेरे लिए परेशानी जब अगर इस तरह की बात होगी तो फिर आप आगे नहीं चल सकेंगे इसके बारे में एक और बात कहूं जो हमारी परसेप्शन को प्री कंसेप्शन हमारी हमारे बिहेवियर को हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं वो है मैनी टाइम्स एम्बिग्य ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज टेकन टू बी ट्रू किसी का बिहेवियर एम्बिगुअस है और आपकी प्री कंसेप्शन उसके बारे में एक ख़ास तरह की है तो आप उसको लीवे भी नहीं देते कि अच्छा कोई और बात भी हो सकती है आप उसी उसको अपने ही कॉन्सेप्ट में अपने ही फ्रेम में उसको एनालाइज करके कहते हैं ये एक्चुअली ये चाहता है एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है हमारे यहां फैमिली एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे यहां फैमिली का खुश होना फैमिली को खुश रखना फैमिली में जितने मेंबर हैं सबका सबकी ख्वाहिश होती है कि फैमिली खुश रहे अब ये हमारे यहाँ इसकी ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम हमारी फैमिली का इंस्टीट्यूशन इज स्टिल इंटैक्ट वेयर एज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फैमिली का इंस्टीट्यूशन एज सच काफ़ी हद तक वीक हो चुका है और वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है इंडिविजुअलिज्म है इंडिविजुअल जो चाहते हैं या जिस तरह की वैल्यूज़ को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं वो करते हैं देर आर मैनी पीपल फ्राम मैनी नेशनस Living in the US, they can afford to have that. And in this society, it is difficult because we are not a replica of an American society. We have to change, yeah, the mode of change, method of change in our society will be different than the mode of change in other societies. Why strategies for change fail, let's say. Why there is a tendency. फॉर इनोवेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू फेल इनका कुछ जिक्र मैंने पहले किया लेकिन टू एम्फेसाइज देर इज़ ए रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ सपोर्ट फ्राम दर्स फ्रॉम द सिस्टम यही जो मैं बात अभी अभी कर रहा हूँ कि सिस्टम जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा जितनी देर तक सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे वो आपका हिस्सा नहीं बनेगा और आप खुद तब्दील नहीं होंगे और सिस्टम भी तब्दील नहीं होगा लेकिन सिस्टम को तब्दील करने के लिए बाज़त इंडिविजुअल्स रोल प्ले करते हैं जैसे मैंने मुख्तारा माई का जिक्र um, किया कि मुख्तारा माई इन ए वे इज एन एजेंट ऑफ चेंज और शी इज बीइंग यूज्ड एज एन एजेंट ऑफ चेंज सो इफ देर आर मेनी पीपल वर्किंग इन ए डायरेक्शन एज एजेंट चेंज सिस्टम स्ट्रक्चर विल चेंज अल्टीमेटली इट लीव एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुल्स एंड एज ए रिजल्ट द होल सोशल रिलेशनशिप्स अमंग पीपल विल चेंज एंड सोसाइटी एज ए होल विल चेंज तो ये प्रोसेस है समझने वाली बात है ये बातें क्यों की जा रही हैं बेसिकली इनके पीछे एक चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट जिस कॉन्फ्लिक्ट को समझना ज़रूरी है ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की फोर्स को उन्हें क्यों करती हैं इसका मकसद क्या है ये मैंने जैसे जिक्र किया कि यह बात प्रोग्रेसिव फोर्सेस होती हैं जो इन्हें वे सोसाइटी को आगे की तरफ लेके जाना चाहती हैं और वो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है एप्लीकेशन ऑफ एग्जिटिंग वेज एंड मीन्स रादर दैन इनोवेटिव सोलूशन एग्जिटिंग वेज एंड मीन्स जो है ना उनको आप अप्लाई करते हैं नए आइडियाज़ को नए तरीक़ेकार को आप इस्तेमाल नहीं करते प्रोफिशंसी की मैंने पहले बात की थी कि प्रोफिशंसी क्योंकि स्टेटसको में होती है तो इसलिए लोग स्टेटसको को पसंद करते हैं और चेंज में एफिशिएंसी प्रोफिशेंसी नहीं होती इसलिए वो चेंज को लोग रेजिस्ट करते हैं सपोर्ट फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर और सिस्टम और ट्रेडिशनल वेज ये अगर एग्जिस्टिंग या स्टैटस को है तो ये रुकावट बनता है अगर ये खुद चेंज हो गया तो फिर ये लोगों को इनक्रेज करता है कि आप भी चेंज हो जैसे आजकल आपको नज़र आता होगा कि बहुत सारी फोर्सेज आपके इर्द गिर्द हैं जो सोसाइटी को माशरे को टू स्ट्रक्चर को सिस्टम को चेंज कर रही हैं, एंड दे आर यूजिंग सेवरल इंडिविजुअल्स सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस टू चेंज तो ये चीज़ जो है ना ये मेरे ख्याल में आप लोगों को uh, समझनी चाहिए कि ये चेंज का अमल बेसिकली रिलेट करता है डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट के साथ देर इज ए टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एट्रीब्यूट फेलियर्स ऑफ इनोवेशन टू द सुपीरियरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच रादर दैन टू दीजन अबाब दीजन एक्सप्लेन टू यू कि ये कैसे आप एट्रीब्यूट करते हैं इनोवेशन की फेल फेलियर, फेलियर को वेद इट्स इंफीरियरिटी ओवर द स्टेटस को एक्चुअली आपने मौका नहीं दिया होता इनोवेशन को नए तरीक़ेकार को टू एस्टैब्लिश इट सेल्फ एज ए वर्केबल यूजफुल एफिशेंट प्रोफिशेंट वे और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स ये एक मॉडल है जो आप मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे तब्दीली लाता है या कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल क्या है कॉन्फ्लिक्ट का डायनामिज्म है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया ये मैं आपसे डिस्कस करता हूं अगर आप स्क्रीन पे देखें तो so, ये देखिए आपको टॉप पे नजर आएगा सोशल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट टू डोमिनेंट एडवर्सेरियल ब्लू प्रिंट इंडिविजुअल यूजली एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन फिर आगे जा रहा है इंडिविजुअल्स गेट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस अप्लाइंग एडवर्सेरियल टूल्स फिर आगे एरो जा रहा है इंडिविजुअल्स बिकम प्रोफिशंट Using adversarial टूल्स ये बातें मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली ये कह रहा हूं कि जब आप एक काम करते रहते हैं एडवर्सेरियल टूल्स से यूज करते रहते हैं खास तरीके कार यूज करते रहते हैं टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट तो आपके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है प्रोफिशिएंसी आ जाती है फिर वो उतना आपके लिए नुकसानदेह नहीं रहता अगर फर्दर चले

और लोग चेंज ना हो सिस्टम चेंज कर दिया जैसे आजकल कोशिश भी हो रही है लेट्स से जैसे ई गवर्न गवर्नमेंट की बात है ई बैंकिंग की बात है इलेक्ट्रॉनिकली आपने बिल्स पे करें ये सारी चीज़ें हैं ये आपने सुपर स्ट्रक्चर तो तब्दील कर दिया लोग बेचारे फर्ज किया उनको वो पढ़ना लिखना नहीं आता वो आपका ई बैंकिंग ई बिल पे ई गवर्नेंस की सहूलतें कैसे यूज़ करेंगे तो अब अगर आप ये कर देते हैं लेट से ऊपर वाला सिस्टम या जैसे मैंने ई e गवर्नमेंट या ई e बैंकिंग की बात कर रहा हूँ तो अगर लोगों को जरूरत पेश आएगी तो फिर शायद वालदे जो लट से इतने एजुकेटेड नहीं है या उनको इतनी लैंग्वेज स्किल्स उनके पास नहीं है तो दे माइट आस्क देयर चिल्ड्रन बच्चों अब इसके बगैर गुजारा नहीं होता यू हैव टू स्टडी हार्ड यू हैव टू गेट बेसिक एजुकेशन मेट्रिकुलेशन और एफए और समथिंग तब आपका गुजारा होगा तो जो ये चीज है ना इसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली डायनामिज्म है बिटवीन सोशल सिस्टम एंड इंडिविजुअल्स और यही जो मैं अभी दिखा रहा हूं अगर इसको फर्दर देखें एक एरो फर्दर आगे चल रहा है इंडिविजुअल्स हैव देयर इनविजिबल वेल बिलीव्स कंफर्म्ड इंडिविजुअल जो है ना उनके हो रहे होते रहते हैं थ्रू दैट स्टेटस को और आगे चले तो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल फॉर एग्जांपल लॉ मेकर अप्लाई एडवर्सरियल वेज मीन एंड टूल्स वेन दे में जब वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को या तो मेंटेन करते हैं या रिफॉर्म करते हैं तो यही इख्तियार करते हैं कि वो एडवर्सरियल टूल्स यूज करते हैं सो दैट दे कुड कुड चेंज दे रिफॉर्म देयर सिस्टम्स और इसका एक अगर मिडल में पार्ट आप देखें तो पीपल ट्रांसमेट ट्रांसमिट एडवर्सरियल ब्लू एंड टूल्स टू देर चिल्ड्रन टू देयर पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड एक्शंस ये जो नया तरीके का है जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि जैसे ई गवर्नमेंट की बात की कि अगर ई गवर्नमेंट चल रही है ई बैंकिंग है ई बिल पेमेंट है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहेंगे कि भई इसके बगैर गुजारा नहीं है लेट्स लर्न दीज न्यू थिंग्स एंड दीज चिल्ड्रन व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम लीडर्स एंड दे बिकम पार्ट ऑफ चेंज तो ये बेसिकली अगर आप इस सारे मॉडल को देखें तो ये मॉडल आपको दिखाता है चेंज के प्रोसेस को कॉन्फ्लिक्ट की हैंडलिंग के प्रोसेस को हाईलाइट करता है कि किस तरीके से चेंज आती है और चेंज ना सिर्फ एट इंडिविजुअल लेवल बट चेंज एट हायर लेवल्स हायर लेवल्स ऑफ सोसाइटी हायर लेवल्स ऑफ सिस्टम जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं तो जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखना हो तभी ये सिस्टम है जिसको आपको समझना पड़ेगा और अगर आप चेंज की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हैं तब तो भी इसी सिस्टम को समझना पड़ेगा वेदर यू वॉन्ट टू चेंज और यू वॉन्ट टू मेनटेन द स्टेटस को दैट इज योर डिसीजन दैट इज द डिसीजन ऑफ द कम्युनिटी सोसाइटी कंट्री और द गवर्नमेंट और द स्टेट और इवन यू एज एन इंडिविजुअल यू वॉन्ट टू डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू रिमेन द रिमेन द सेम यस

सिस्टम अमेरिका का या लॉयर्स एंड अमेरिकन लीगल सिस्टम इट रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअलिस्टिक एंड एडवर्सरियल कल्चरल वैल्यूज लीगल डिस्प्यूटिंग ट्रेडिशन सीम्स डेथ ट्रूथ एंड जस्टिस आर बेस्ट अपटेन्ड विया द क्लैश ऑफ लीगल एडवर्सरीज। वहां पर यह है कि दो बंदों का अखिलाफ है हायर लॉयर्स एडवोकेट्स वो आपस में फैसला करेंगे और जो भी फैसला होगा थ्रू द कोर्ट दैट इज द बेस्ट फैसला देर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस हाउएवर दैट द ट्रूथ इज बेस्ट अपटेन इन दिस मैनर विच आई जस्ट एक्सप्लेन के दो लॉयर्स दो लोगों के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं और जब वो आपस में इन वे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के जरिए लड़ते हैं तो क्या ये बेस्ट ट्रूथ है तो कहा ये जाता है कि नहीं ये बेस्ट ट्रूथ नहीं है ये तो बेस्ट एडवोकेसी है जिसने बेस्ट एडवोकेसी की वो जीत गया एंड दैट इज़ द ट्रूथ जिसने वीक एडवोकेसी की वो हार गया क्योंकि उसकी एडवोकेसी वी, वीक थी इसीलिए लिए लोग एक्सपेंसिव लॉयर्स हायर करते हैं क्योंकि वो अपना व्यू पॉइंट वेन करने के लिए वेदर दे आर राइट और रॉन्ग दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट वेदर दे आर ट्रूथफुल

फॉर्मल सिस्टम है जैसे पंचायत का सिस्टम है इनफॉर्मल सिस्टम है वहाँ पे ट्रूथ जल्दी बाहर आ जाता है बनस्बत प्रोसीजरल वेज ऑफ हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट बाय द प्रेजेंट कोर्ट सिस्टम तो इसलिए ये चीज़ अहम है कि हम इस चीज़ को समझें कि वो एक अलग सिस्टम है ये एक अलग सिस्टम है ये ज़रूरी नहीं है कि उस सिस्टम में ट्रूथ ज़्यादा है या इस सिस्टम में ट्रूथ ज़्यादा है वो सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है ये सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है उस सिस्टम को लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है इस सिस्टम को लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ नो नो यू वांट टू चेंज इफ यू वांट टू चेंज यस यू मे चेंज इन द सेम डायरेक्शन यू चेंज इन अनदर डायरेक्शन इट इज नॉट एम टॉकिंग अबाउट इन द एस ऐसा भी मुमकिन है कि यहां पे भी ट्रूथ विल नॉट विन ऑलवेज बट विनिंग

कि ये जो एडवर्सेरियल सिस्टम है या अप्रोच है या एडवर्सरी सिस्टम है इट विल प्रोड्यूस ट्रूथ इट मे नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस ट्रूथ ट्रूथ शायद दूसरे तरीके से ज़्यादा बेहतर निकल सकता है तो ये ये जो लॉयर्स का ओवर इस्तेमाल है इन वेस्टर्न सिस्टम इट इज़ वर्किंग देयर एंड वर्किंग देयर वेरी वेल बिकॉज ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर सोशल सिस्टम इज सपोर्टिव लॉयर्स देव सर्टन फीसाइम्स लॉयर्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू पुअर पीपल और समथिंग वहाँ का एक सिस्टम है पूरी तरह उस उस आ, आ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट के मामला हैं इनको पूरी तरह सपोर्ट करता है इसलिए वहाँ पर चल रहा है अगर उसी चीज़ को यहाँ पर विद इन दी गिवन सोशल सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं चल सकेगा लॉयर्स ने उस सिस्टम में दे हैव अचीव्ड हाई डिग्री ऑफ मास्टरी ओवर द यूज ऑफ एडवर्सेरियल टूल्स उनके सिस्टम्स बने हुए टक 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 किया और फटाफट फाइल किया और सारा कुछ करके फारग हो गया क्योंकि उनके सिस्टम में उनको एफिशिएंसी आई हुई है अगर वही काम यहाँ पे करना पड़ जाए और रोज़मर्रा के डिस्प्यूट्स कोर्ट्स हैंडल करें तो शायद ये मुश्किल होगा एज वुड बी प्रडिक्टेड अगर स्क्रीन पर देखें दिस लेवल ऑफ मास्टरी इज अकम्पनीड बाय नैरोइंग ऑफ बिलीव अबाउट हाउ बेस्ट टू तो हैंडल इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे किसी और तरीके से बेस्ट हैंडल होगा यहाँ पे किसी और तरीके से हैंडल होगा ये जो जीरो सम नेचर ऑफ ऑल डिस्प्यूट है ना ये वेस्ट में तस्वर किया जाता है और हमारे यहाँ शायद उसकी नस्बत कम हो अप्लाइंग सम जनरल रूल ऑफ लॉ ल रिज़ोल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्टे तस्वर किया जाता है कि कोई लॉ की कोई सेक्शन कोई लॉ की कोई प्रोविज़न वो अप्लाई होगी तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा शायद बचो ये हर जगह पर ऐसे ना हो यहाँ के सिस्टम में शायद ये लॉ हर वक्त हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता आपको पता है पहले ही बेशुमार केसेस हैं जो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं कोर्ट्स फैसला नहीं कर पाती हैं और ख़ासतौर पर जो सिविल लॉ के कोर्ट्स हैं वो तो कई कई साल दस दस साल पाँच पाँच साल आठ आठ साल चलते रहते हैं तो हमारे यहाँ वो सिस्टम फौरी तौर पर कैसे चल सकेगा अगर हम चलाने की कोशिश करें नहीं चलेगा तो कहने का मकसद ये है कि प्रोग्रेस करना टू the use of conflict it is very much desirable but many a times you cannot copy a model you cannot use a model imported from elsewhere we may have to modify the model according to our own needs our own indigenous environment otherwise it may end up either damaging the system or you may call it inferior टू दस्टिंग सिस्टम इसकी मिसाल आज के दौर की ये हमारा डेवोल्यूशन प्लान है डेवोल्यूशन प्लान के जरिए डिस्ट्रिक गमेंट्स बनी हुई है बहुत सारे लोगों ने इसमें कीड़े भी निकाले हैं कि ये डेवोल्यूशन सिस्टम जो है ना ये काम नहीं कर रहा डेवोल्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है ये पावर्स जो है ना प्रोविसेस के पास जानी चाहिए सेंटर के पास जानी चाहिए डिवीजन डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर नहीं होनी चाहिए अब अगर इस बात को ले लें तो शायद जो पहला सिस्टम था वो ज्यादा एफिशिएंट था क्योंकि वो डेकेड से चल रहा था और अब ये जो नया डेवल्यूशन प्लान या डेवोल्यूशन सिस्टम जिसके जरिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ऑपरेट कर रही हैं सारे 110 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट में तो वो अगर उनको मौका मिलेगा जैसे कुछ वक्त मिल गया अब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स किसी हद तक कामयाबी से चल रही हैं तो हमने इसको टाइम दिया चलने के लिए इसमें एफिशिएंसी लाने के लिए तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स इम्प्रूव हो होंगी और अगर हम चार साल बाद कहें जी नहीं ये तो पहले वाला सिस्टम ठीक था और इसको ख़त्म कर दें तो इसका मतलब वी हैव वेस्टेड फोर ईयर्स चलिए ये चल रहा है ना तो चलता रहने दे, इसमें एफिशिएंसी आ जाएगी एफिशिएंसी आ जाएगी तो इट विल डू न्यू थिंग्स इट विल चेंज इन अ वे व्हिच इज गुड फॉर पीपल तो ये फटाफट फैसला कर लेना कि दिस न्यू सिस्टम इज बैड बिकॉज इट इज नॉट प्रोफिशेंट इट इज नॉट एफिशेंट बट माइंड यू

कि तो जो पहला सिस्टम है वही ठीक है नए सिस्टम को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है तो ये तो कुछ कॉस्ट तो होती है ना प्रोग्रेस की डेवलपमेंट की चेंज की कुछ कुछ कॉस्ट तो होती है तो अगर कुछ हर्सा ये डिवोल्यूशन प्लान इफ़िशेंट है लेस एफिशेंट है तो इसको काम करने दे फॉर सेवरल येयर्स इट इज़ वर्किंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड प्रॉबली सौ से ज़्यादा मुल्क हैं जिसमें डिवोल्यूशन प्लान प्रैक्टिस हो रहा है या किया जा रहा है तो इसको टाइम लगेगा ठीक हो जाएगा इम्प्रूव हो जाएगा तो ये जो लीगल सिस्टम है ना ये भी किसी मुल्क में बनते 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 हैं और जब बनते हैं तो फिर चेंज का प्रोसेस इन ए वे इस्टेब्लिश होता है पहले कोई तब्दीली आती है वो तब्दीली इस्टेब्लिश होती है तब्दीली तब इस्टेब्लिश होती है तो लीगल सिस्टम उसको फिर प्रोटेक्ट करता है अब अगर ये सारा जो मैंने सिलसिला आपसे शेयर किया मैंने लीगल सिस्टम अमेरिकन सिस्टम ये सारा आपसे शेयर किया तो अगर इसको मैं समराइज़ करना चाहूँ इससे मैं मैसेज निकालना चाहूँ तो इससे मैसेज ये निकलता है वन चेंज इज़ इज कमिंग चेंज शुड नाट बी स्टॉप दूसरा मैसेज ये निकालता हूँ चेंज निकालने का चेंज पैदा करने का प्रोग्रेस करने का एक तरीका है वो तरीका है कि कॉन्फ्लिक्ट एक मेन जरिया है चेंज का लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे हैंडल करते हैं वो बताएगा कि आप चेंज ले कर आ रहे हैं तो किधर जा रहे हैं अगर चेंज को अप्रोप्रियटली हैंडल करेंगे तो प्राबली प्रॉबली डिज़ायरेबल चेंज की तरफ चले जाएंगे डिजायरेबल रास्ते की तरफ चले जाएंगे और अगर आपने चेंज को सिर्फ रजिस्ट किया एंड यू ट्राई टू स्टिक टू दी एग्जिस्टिंग स्टैटस को तो फिर आपके लिए मुश्किल आएंगी आप फिर तरक्की नहीं कर सकेंगे आप फिर वहीं रहेंगे तो इसलिए अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्ट करें और कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए समझें कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है और कैसे कॉन्फ्लिक्ट चैनल करते करते आप अपने मामलों को आगे ले जा सकते हैं तरक्की कर सकते हैं प्रोग्रेस कर सकते हैं ये प्रोग्रेस का सफ़र है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये मेन या मेजर एलिमेंट है या मेजर फैक्टर है या मेजर फोर्स है जिसको यूज़ करके आप प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं इन अल्फाज के साथ अजीज़ तलबा और तलबात मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ बातें कॉन्फ्लिक के इर्द गिर्द आपको समझा सका लेक्चर को हो सके तो बार बार सुनिए मेरे ख्याल में आपको इस टॉपिक को या इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी थैंक यू सो मच खुदा हाफिज़